देवेंद्र नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एसपी धर्मराज मीणा और एडिशनल एसपी मौजूद रहे। वहीं बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक और व्यवसायी भी मौजूद थे, जिसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। एसपी ने व्यवसायियों से नगर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। व्यापारियों और नगर के लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आह्वान किया, जिसको लेकर एसपी ने उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। वहीं एसपी ने आमजन के साथ कस्बे का भी भ्रमण किया। एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण और पुलिस सहायता केंद्र के विषय में नागरिकों और व्यवसायियों से चर्चा की है। साथ ही पुलिस सहायता केंद्र में जल्द ही पुलिस बल की व्यवस्था कराने को कहा है। अभी हाल के दिनों में देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के निवासी मेरे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना में आके मिले। उनका ये कहना था कि जनसंवाद होना बहुत जरूरी है, दूसरा व्यापारी वर्ग की कई सारी समस्याएं थी। मैंने ही उनको प्रॉमिस किया था कि मैं देवेंद्र नगर कस्बे में आऊँगा और आपके कस्बे में सभी व्यापारी बंधुओं और आमजन से मैं संवाद स्थापित करूँगा, साथ ही साथ कस्बे का भी भ्रमण करूँगा और जो भी आप लोगों की शिकायत है या सलाह है या सुझाव है तो मैं उनका विशेष ध्यान रखूँगा। नहीं, निश्चित रूप से अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने पन्ना जिले में ज्वाइन करते ही सभी थाना प्रभारियों, एसडीओपी साहिबान और सभी चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने संबंधित क्षेत्र में, गाँव में या कस्बों में जाके आमजन से, व्यापारी वर्ग से, पत्रकार साथियों से, अन्य समाज से जाके वो मिले, उनकी समस्याएं को सुने और ऐसी समस्याएं जिनका हम लोग पुलिस विभाग से निराकरण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनका निराकरण करेंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे।